का राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस मौके पर सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा सेठी ने कहा कि ज्यादातर महिलाएं फिजियोथेरेपी का कोर्स तो करती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती, इसलिए सेमिनार के जरिए उन्हें उत्साहित करने की कोशिश की गई है। वुमन सेल का मेन पर्पस ये है कि हम महिलाओं को जागरूक करें और उनको नई नई स्किल्स और नॉलेज पहुंचाएं उनके घर तक। देखिए, ज्यादातर लोग जो फिजियोथेरेपी से पास आउट होती हैं वो महिलाएं होती हैं। अगर हम कॉलेज में रेशियो देखें तो इट इज अबाउट 3:1 फीमेल टू मेल रेशियो, लेकिन जब तक हम 5 साल बाद देखते हैं तो ज्यादातर महिलाएं प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं। आईएफपी वुमेन सेल का ये हमारा है, हम ये करना चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन सेल हो, तो इस तरह की वर्कशॉप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जिससे ये महिलाओं से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो ना तो उनको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, ना ही किसी तरह का पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। और इसी के साथ इंडिया रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और निशा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात 4 बजे। नमस्कार।